नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल रूरल 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। उत्तर प्रदेश सहित संपूर्ण भारत वर्ष से नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए सैफई में लग रहा है लोगों का हुजूम। सैफई में आज भी उमड़ रहा है जनसैलाब, सड़कों पर लग रहा है जाम। आज नेताजी को पंचतत्व में विलीन हुए 5 दिन बीतने के बाद सैफई में उनके चाहने वालों का नहीं थम रहा सिलसिला। सुबह से लेकर रात तक लग रही है लाइनें। मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो या देश की कोई भी बड़ी हस्ती हो, एक बार सैफई जाकर नेताजी को श्रद्धांजलि अवश्य देना चाह रहा है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से नेताजी के चाहने वाले, उन्हें अपना आदर्श मानने वाले, बच्चे हो, दिव्यांग हो, बड़े बूढ़े हो या फिर महिलाएं हो, बता दें कि नेताजी की यादें दिल से नहीं निकाल पा रहे हैं और एक बार उनकी समाधि स्थल पर जाकर पुष्प अर्पित कर माथा टेक अपने हृदय को संतुष्टि देना चाहते हैं। वहीं आज जनपद देवरिया का एक शिक्षक सैफई पहुंचा और नेताजी के घर से दंडौती कर समाधि स्थल तक पहुंचा। बता दें कि जब उससे पूछा गया तो उसने बताया कि मैं नेताजी के पैरों की धूल अपने बदन पर लगाकर अपने जीवन को धन्य करना चाहता हूँ। नेताजी के अंतिम दर्शन करने से मैं चूका। वही बता दें कि देवरिया का निवासी समाधि स्थल पर फूट फूट कर रो रहा है और कह रहा है, एक बार दर्शन हो जाते तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। नेताजी के इस दुनिया में न रहने के बाद अखिलेश यादव को अपना आदर्श मानते हुए उनके बताए हुए पद चिन्हों पर चलने की प्रतिज्ञा ली और क्या कहा, आगे की खास रिपोर्ट देखिए। और उदयपुर विधानसभा 336 जिला देवरिया से। तो ऐसे ही आ रहे हैं वहाँ से? नहीं, तो कैसे आ रहे से गए थे। हाँ। नेताजी को हाँ। श्रद्धांजलि पुष्प हाँ। अर्पित किए हैं। हाँ। वहाँ से फिर मैं ऐसे आया हूँ। हाँ। समाधि स्थल पर इसका भी मैं 4 बार परिक्रमा करूँगा, उसके हाँ। बाद फिर आगे का काम। जिसे हम कभी मिले नहीं, चाह करके भी मिलना चाहते थे, लेकिन प्रभु के प्यारे हो गए, दबे कुचले, लोगों के लिए मसीहा का काम किया। इसी मिट्टी से सफाई ग्राम सभा के पावन भूमि से उनका जन्म हुआ, इसलिए मिट्टी धन्य है। जैसे हरिद्वार है, जैसे अयोध्या है, उसी तरह से हम जैसे छोटे कार्यकर्ता के लिए सफाई भी हो गई है। इसलिए हम सोचे हैं कि नेताजी इसी मिट्टी में पले बढ़े हैं, तो हम भी यह जो है मार्ग अपना करके उनके पैर से मिट्टी जो लगी होगी, उसकी मिट्टी का कण अगर मेरे शरीर पर लग जाता है तो मैं भी अपने जीवन को धन्य मान लूंगा। ऐसे हमारे आराध्य नेताजी हैं। कभी नहीं मिले, मिलने का चांस नहीं, गरीब दबे कुचले। सम्मानित देने के लिए जब शुरू से ही मैं MSc मैथमेटिक्स हूँ, DDU जो गोरखपुर विश्वविद्यालय है उसका छात्र नेता रहा हूँ, वहीं से मैं मैथमेटिक्स MSc भी किया, BEd जो है साकेत से मैं किया हूँ और CTET क्वालिफाई भी हूँ। और 2012 में वैकेंसी निकली थी BEd 2011, आप जानते होंगे, कई हमारे भाई बहन सुनील यादव जी भी से लेकर के सभी लोग अखिलेश भैया को चुनाव जिताने के लिए प्रयासरत थे, उसी में से एक हम भी सिपाही हैं। मैं मिल तो नहीं पाया, रोजी रोटी में लगा रहा, लेकिन अंतिम दर्शन के लिए हम रह नहीं पाए। जब नेताजी यहाँ से चले गए तो हम सोचे कि 13 दिन तक, हमारे हिंदू धर्म में रीति रिवाज है कि 13 दिन तक देवता के रूप में रहते हैं, इसलिए हम सोचे हैं कि सोमवार को, मैं पढ़ाता भी हूँ, सोमवार को छुट्टी लेकर के मैं आया हूँ। अच्छा। टीचर हैं MSc, प्राइवेट टीचर हैं जी। तो हम सोचे हैं कि अब नेताजी के लिए हम तो कुछ दे नहीं पाए, लेकिन हम न खा पा रहे थे, न जग पा रहे थे, न सो पा रहे थे, रात को जग जाते थे, तो हम रह नहीं पाते थे, इसलिए हम यहाँ आए हैं कि मन की शांति नेताजी को मिले, हमारे अखिलेश भैया को आराध्य का आशीर्वाद मिले, जिसे हम जैसे छोटे कार्यकर्ता को लेकर के चल सकें। यही हम प्रभु अपने आराध्य श्री नेताजी से यही कहते हैं। और प्रभु कोई किसी ने नहीं, बहुत सम्मान से भाई के लोग बहुत सम्मानित लोग हैं, हर लोग जो है सम्मान दे रहे हैं, हर जगह जो है लोग कोई पानी लेकर के, कुछ लेकर के लोग रास्ते में आ रहे हैं कि भैया, लेकिन हम बनाए हैं कि पहले हम यहाँ पर परिक्रमा कर लेंगे नेताजी का, उसके बाद कुछ करेंगे। आराध्य के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, यह पूरा जीवन नेताजी के लिए समर्पित है।
अभी आपने देखा कि नेताजी के बहुत छोटे छोटे कार्यकर्ता जो हैं किडनी से लेकर के सब कुछ देने वाले थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम लोग भी देखते थे, पूजा पाठ करते थे, कई जगह मंदिरों में हम भी गए माथा टेके, लेकिन हम लोगों को नेताजी जाकर के अनाथ छोड़ दिए। हम लोग अनाथ हैं। अब प्रभु से आग्रह करते हैं कि प्रभु अपने चरणों में उनको स्थान दे, और जो दबे कुचले गरीब तबके के लोग हैं सभी लोगों को उनकी झलक राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी में दिखाई देती है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि जो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता यह सोच रही है, कई टीवी चैनलों पर आप लोगों के माध्यम से भी है कि अब अखिलेश उनके समाजवाद के नारे को बुलंद कर सकते हैं कि नहीं, तो मैं पूरे विश्वास के साथ मैं इस सफाई भूमि से या सभी लोगों से मैं कहता हूं कि हमारे अखिलेश भैया में वो काबिलियत है। अब आने वाला समय बता, नहीं मिले हम मिलेंगे भैया से पहले मेरा, हाँ मिलेंगे हम, जरूर मिलेंगे हम, पहले अपने आराध्य से मिलने उसके बाद फिर मुलाकात उनसे होगी। आप लोगों का बहुत बहुत मोहम्मद अयाज नाम है। अयाज कहाँ से आए हैं? हम आए हैं अमेठी जिला से। यहाँ पे क्या करने आए? नेताजी को देखने। मिले आप नेताजी? जी अभी तो नहीं मुलाकात हुई, वो ICU से वेंटिलेटर पे चले गए हैं। हाँ। तो अभी कहाँ मुलाकात हो पाएगी। तो कैसे आए हैं यहाँ तक आप? जी हम नेताजी की मोहब्बत में यहाँ तक आए हैं। जी कब से नेताजी को फॉलो कर रहे हैं और कब पता लगा आपको बीमार है? हम तो 2 दिन हो गए पता चले, तो 2 दिन घर पे काम था तो हमने कहा कि कल निकले थे वहाँ से, तो फिर उसके बाद आज सुबह यहाँ पहुँच गए, कश्मीरी गेट पे पहुँचे थे, फिर वहाँ से टेम्पू पकड़े, टेम्पू वाले से कहे कि पंडारा पार्क लेके चलो, 5 बजे रात में वहीं पहुँच गए, फिर वहाँ से पर हम यहाँ डायरेक्ट चले आए, फिर यहीं हैं, फिर गए नहीं कहीं। हॉस्पिटल में मना नहीं किया किसी ने कि नेताजी? जी नहीं, किसी ने नहीं मना। किससे मिले आप हॉस्पिटल में अंदर? किससे मिले? कौन कौन था हॉस्पिटल? अभी हॉस्पिटल में हमने मिले शिवपाल चाचा से और उनकी वाइफ से जी, और बहुत नेता हैं। कौन कौन है, कहाँ कहाँ से आए लोग? इधर बलिया के हैं कुछ, कुछ गाजीपुर के, कुछ इधर कन्नौज के हैं, एल्टा के हैं, बहुत जगह के। 2-3 दिन से लग रहा है कि तबीयत बहुत ज्यादा खराब है जी। हम लोग तो यही ऊपर वाले से अल्लाह से भी दुआ करेंगे, भगवान जी से भी ये दुआ करेंगे, गॉड से भी ये दुआ करेंगे, ठीक हो जाए, 10-20 साल उनकी उम्र और बढ़ जाए। तो नहीं आप हॉस्पिटल में आए तो आपको बताया ना कि कैसी कंडीशन है नेताजी? तो बताए कि अब पहले से थोड़ा ठीक है। अभी कहाँ पे है, कौन से वार्ड में, कुछ नहीं बताया आपको? ये वार्ड तो इनका 15 नंबर पे है ऊपर। इस वजह से नहीं मिले आप? अखिलेश भैया भी आए नहीं, बल्कि हम लखनऊ में उनसे 61 बार मिल चुके हैं, 62 बार बल्कि। किन से? अखिलेश यादव जी से। अच्छा। उनके पुत्र से भी मिले, उनके दोनों बेटी से भी मिले हैं। जानते हैं आप? जी बिल्कुल, चेहरे जानते हैं अखिलेश जी। अब जैसे कहीं अभी हम लोग चुनाव में भी गए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ जी, मैं सफाई से लेकर एटा तक, एटा से वापिस। अच्छा जी। अभी यानी आप जब तक नहीं जाएंगे जब तक आपको मिलने नहीं देंगे? नहीं, जब उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो हम लोग खुद चले जाएंगे अपने आप। तब तक आप कहाँ रहेंगे? तब तक भैया देख लीजिए, हम कहीं भी सो जाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं हमें नेता बनना है, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता ही रहने दीजिए। माँ बाप को बता के आए हैं आप? जी पिताजी को बता के आए हैं। कहाँ के रहने वाले और क्या नाम है तुम्हारा? हमारा घर है मन्नी फुलवरिया, हमारा नाम है नरसन लाल यादव। कहाँ जा रहे थे तुम? जा रहे थे सैफई। किससे मिलने? मुलायम सिंह तो देखने जा रहे थे। अच्छा, तो क्या हुआ, देख पाए? अब यहाँ पे हम पहुँचने, जब वहाँ पे दूरा पुल हम पहुँचे, वहाँ से जा रहे थे इटमा हम पहुँचे, तो हम तो जला रास्ता बता दिया, हम चल गए तानपुर। हाँ। तो अब कहाँ जा रहे हो? अब जा रहे हैं छे जा रहे हैं, अखिलेश यादव ने बुलाए हैं, मुलायम सिंह उनके लिए जा रहे हैं। तो कौन लेके जा रहा है तुम? मुन्ना सिंह। कौन है मुन्ना सिंह? हमारे बाबा हैं, उनके लिए जा रहे हैं, हमारे नेताजी यहाँ थे। तो जा रहे हो अखिलेश यादव से मिलने? हाँ। कैसा लग रहा है तुमको मिलने? बहुत बढ़िया लग रहा है। मिल के क्या कहोगे? मिल के यही कहेंगे, अपना मिल के क्या कहें, अब तो दुख हो रहा है बहुत, विधायक जी हमारे नहीं रहे, हमारे नेताजी अब नहीं रहे दुनिया में, दुख हो रहा है। हाँ बहुत दुख हो रहा है, हम इसलिए वहाँ दर्द थे, तुरंत हम जा रहे थे वहाँ पे। घर पे बताए थे किसी को? नहीं।